हाय एवरीवन, हमारी सभी लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आते ही रहती हैं। हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आता है। हम दुखी और परेशान होकर खुद की ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि काश ऐसा कोई मिल जाता, या काश हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाता जिससे हम इस परेशानी से निकल पाते। कभी कभी ये होता है कि हम अपनी जो समस्या है, परेशानी है, वो किसी और को बता भी नहीं सकते। यदि हम बताते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि समस्याएं बताने के बाद भी उसका हमें हल नहीं मिल पाता है। तो यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन है, आप भी इस तरह की प्रॉब्लम में यदि फंस चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी सारी परेशानियों को एक कागज़ में, एक पेपर में लिख लेना है। उसके बाद रात में सोने से जस्ट पहले, जब आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, हाथ जोड़कर गहरी सांस भर लें। उसके बाद जब आप एकदम ऐसा फील करें कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, तो आपको अपनी जो परेशानी है वो ईश्वर से, यूनिवर्स से, गॉड से, आप जिसको भी मानते हैं, आप उसको अपनी सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएं जो है वो बता दीजिए। उसके बाद आपके हाथों में जो कागज़ है, जो पेपर है जिस पर आपने अपनी परेशानियाँ लिखा है, आप उसको जला दीजिए। और उसके बाद सारी परेशानियाँ यूनिवर्स के सामने रखकर आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि यूनिवर्स, मैं इस तरह से परेशान हूँ और मैंने आज अपनी सारी समस्याएं, सारी परेशानियाँ, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगले 24 घंटे में मुझे इस समस्या से का हल मिल जाए। आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स मुझे इस समस्या का समाधान ज़रूर देंगे। यूनिवर्स पर विश्वास रखकर आप प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आप उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जो चीज़ें आपके पास में हैं, जो यूनिवर्स आज तक आपको देते आए हैं। इस तरह से प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना के बाद आप ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए और आप सो जाइए। याद रखिएगा, जब आप इसे डेली रूटीन में जब शामिल कर लेंगे, मीन्स ये कि सोने के पहले आप जब इसे डेली करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से मिल रहा है। और तो और, यदि आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही है, जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, परेशानियां कोई भी आए, लेकिन आप उससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका साथ देने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स हमेशा ही आपके साथ में है। जब भी आपके जिंदगी में परेशानियां हो, तो आप लोगों को बताने से पहले आप यूनिवर्स से, ईश्वर से, गॉड से बताइए। जिस भावनाओं के साथ में, जिस विश्वास के साथ में आप लोगों को बताते हैं, उन्हीं भावनाओं के साथ में, विश्वास के साथ में, और उतने ही दिल से आप यूनिवर्स से अपनी परेशानियां शेयर कीजिए, तो आपको परेशानियों का समाधान जरूर मिलेगा। समस्या चाहे कैसी भी हो, छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप बहुत ही आसानी से उसका हल पा सकते हैं। बस आपके मन में अंदर विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आपको खुद पर और यूनिवर्स पर विश्वास होना ज़रूरी है। और भी इसी तरह की वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अमेजिंग टेक्निक, स्पिरिचुअल रेमेडीज, मंत्रास, एंजल नंबर्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।